हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ सेवन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गर्मियाँ पीक पे चल रही हैं और गर्मियों में अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें लू लग जाते हैं, हीट स्ट्रोक हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बच्चे को किस कारण से लू लगते हैं, हीट स्ट्रोक होते हैं, उनके लक्षण क्या क्या हैं और सीवियर हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं और इसका हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो पर आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो गर्मी का जो सीज़न होता है उसमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा नीचे गिर जाता है, जैसे 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 36 डिग्री हो जाता है। ऐसे में हमारे बच्चे जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। फिर एकदम गर्म गर्म लू चलने लगता है, हवाएँ चलने लगती हैं जो बच्चे की स्किन को पूरी तरीके से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं, जला देती हैं, बच्चे की शरीर सूखने लगती है और बच्चे को लू लग जाती है। तो ये भी एक वजह है। दूसरा ये वजह है कि जब हम 10 से 6 के बीच में बच्चे को बाहर लेके जाते हैं, उस समय जो गर्म हवाएं बच्चे को लगती हैं उससे भी बच्चे को हमारे लू लग जाता है। इसके साथ और भी कई सारे रीज़न है, जैसे गर्मी के सीज़न में अगर हम अपने बच्चे को पॉलिस्टर और नायलॉन के कपड़े पहना रहे हैं तो उससे भी बच्चे को बहुत तेज़ी से लू लगता है। साथ ही साथ अगर गर्मी के सीज़न में हम हमारे बच्चे को डिहाइड्रेटेड रख रहे हैं, बार बार पानी नहीं दे रहे हैं, उसकी बॉडी सूख रही है, तो इस वजह से भी बच्चे को लू लग जाता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। नॉर्मल फीवर में बच्चे का जो होता है उसमें बच्चे को पसीना भी आता है, लेकिन अगर बच्चे को लू लगा, हीट स्ट्रोक हुआ है तो उस फीवर में बच्चे को पसीना नहीं आएगा। फिर आप समझ लीजिए कि बच्चे को लू लगा है, बच्चे का माथा गर्म रहेगा, हाथ गर्म रहेगा, पाँव पैर का जो तालू है वो गर्म रहेगा, लेकिन बच्चे को पसीना नहीं आएगा, तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे को लू लगा है। सेकेंड, कि आपका बच्चा अनियमित तरीके से बड़बड़ाएगा। बड़बड़ाने का मतलब है बच्चा बहुत सुस्त महसूस करेगा, कुछ भी बोलेगा। इसके साथ साथ बच्चे को आप अगर आप कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं तो नहीं खाना पीना चाहेगा, तो इस केस में भी समझ लीजिए कि आपके बच्चे को लू लगा है, इसलिए बच्चा इतना सुस्त महसूस कर रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, नहीं पी रहा है। इसके साथ साथ आपके बच्चे को आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत पीक पे है, उस समय आपके बच्चे की जो स्किन है वो रेडनेस हो रही है, ड्राई हो रही है, स्किन की जो नमी है वो गायब सी हो जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे को लू लगा है। और जो नॉर्मल लू होते हैं उस केस में आप घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल लू मैंने बताया और लक्षण, उसमें आपको क्या करना है कि आपके बच्चे को बार बार पानी पिलाते रहना है हर आधे घंटे पे। सेकेंड, आपको क्या करना है कि आमपना बनाना है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो आपको थोड़ी थोड़ी देर पे बच्चे को आमपना दीजिए, जीरा उसमें डाल दीजिए, उसमें पुदीने का पत्ता डाल दीजिए, वो सारी चीज़ें बॉडी को बहुत ठंड रखती हैं। आप उसमें वो डाल दीजिए, काला नमक डाल दीजिए, आप आमपना बना के बच्चे को दीजिए। आप चाहें तो चने के सत्तू का शरबत बना के बच्चे को दे सकते हैं, आप चाहें तो बच्चे को नारियल पानी दे सकते हैं, आप चाहें तो मौसमी फ्रूट्स दे सकते हैं जिसमें 95% पानी होता है, तरबूज में, खीरा में, आप ये दे सकते हैं, तो उससे आपके बच्चे को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का लू बहुत तेज़ है, नहीं सही हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि प्याज जो है उसको पीस लेना है, और वो भी आपको वाइट वाला प्याज लेना है। उसको पीसने के बाद आपको बच्चे के सर पे और बच्चे के जो पैर का तालू है वहाँ पे खूब अच्छे से बांध देना है कि उसका रस जितना बच्चे की बॉडी में ऑब्जर्व होगा उससे भी बच्चे की लू तुरंत ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको कच्चा आम लेना है, उसको भी पीस लेना है, उसको भी पीस के सेम प्रोसेस आपको सर के तालू पे, मतलब सर के यहाँ पे और पैर के तालू पे लगा देना, उसका भी रस खींचेगा, बच्चे का लू ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ जो चना होता है जो गांव में होता है उसका डंठल आपको रात भर भिगा देना है, और सुबह में क्या करना है कि उसके डंठल के पानी से बच्चे को नहला देना, उससे भी आपके बच्चे का लू ठीक हो जाएगा, उससे भी आपके बच्चे का लू ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके बच्चे को आप देख रहे हैं बच्चा बेहोश हो रहा है, बच्चा पूरा दिन भर, 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू हेडेक है, बच्चे के सिर में दर्द हो रहा है, बच्चा अनियमित तरीके से रो रहा है, मतलब एकदम नॉन स्टॉप रो रहा है, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे को बेहोशी आ रही, तो फ्रेंड्स ये सीवियर हीट स्ट्रोक है, लू है। इस केस में आपको डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।